1.3 डार्विन के अवलोकन ऑब्जर्वेशन ऑफ डार्विन। बीगल के सफर के दौरान डार्विन के कुछ महत्वपूर्ण अवलोकन इस प्रकार हैं, जिनसे उन्हें जीवों के विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने में मदद मिली। सफर के दौरान डार्विन ने समुद्र के पानी के नमूनों का अध्ययन किया तो उसमें उन्हें कई प्रकार के जीव दिखे और वे चकित रह गए। यहाँ पर उन्हें खाने व खाए जाने की अद्भुत खाद्य श्रृंखला नजर आई। ऐसा ही उन्हें दक्षिण अमेरिका के जंगलों व पहाड़ों पर तरह तरह के जीवों के बीज भी दिखाई दिया। उनके मन में आता रहा, हर तरफ संघर्ष है, मरो या मारो, जो बच सकता है वही बच रहा है। शायद भौगोलिक जरूरत के अनुसार जो ढल गया वही जीव बच जाता है। उष्णकटिबंधीय जंगलों के कई विविध प्रकार के प्राणियों और उनके आवास का अवलोकन डार्विन ने पहली बार किया था। दक्षिण अमेरिकी पहाड़ों के ऊपर उन्हें ऐसी चट्टाने मिली जिनमें समुद्री जीव के जीवाश्म मिले। साथ ही उन्हें एक ऐसे भूकंप का अनुभव हुआ जिससे समुद्र की सतह लगभग 3 मीटर तक ऊंची हो गई थी। इस प्रकार का अवलोकन यह दर्शा रहा था कि समय के साथ महाद्वीप और महासागर में व्यापक रूप से बदलाव आ सकता है। रेतीले समुद्री किनारों के स्थान पर ऊंचे चट्टानों से घिरे समुद्री किनारों के अवलोकन से डार्विन यह अनुमान लगा पाए कि निरंतर चलने वाली प्रक्रियाओं से भी पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन आ सकता है। विशालकाय विलुप्त स्तनधारियों सरीसृपों इत्यादि के जीवाश्मों से उन्हें पता चला कि पूर्व के जीवों और वर्तमान के जीवों में विभिन्नताओं के साथ साथ समानताएं भी हैं, अर्थात पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन के साथ साथ जीवों में भी परिवर्तन आया होगा। क्या आप जानते हैं 1938 में अफ्रीकी तट के किनारे जब मछुआरों ने एक मछली जैसा जीव पकड़ा तब तहलका मच गया। तब तक यह मान्यता थी कि डायनासोर के साथ ही ये विलुप्त हो गए हैं। इसे सिलकेंथ नाम दिया गया। इसमें कुछ विशेषताएं उभयचरों की थी और कुछ मछलियों की। उस समय यह माना गया कि इसका विकास रुक गया है, अतः इसे लंबे समय तक जीवित जीवाश्म कहा गया। परंतु अब हम जान गए हैं कि इनमें विकास की प्रक्रिया अभी भी हो रही है, इसलिए इन्हें जीवित जीवाश्म कहना ठीक नहीं होगा।